तो ये बताओ, घोड़ा वो वापस सर वो रिपीट ही एसएससी का, हाँ एक एक जन बोलो बोलो सर वो जो रेसेसिव में पॉजिटिव चार्ज क्यों लिए थे और सर रेसेसिव वाला क्यों लिए थे सर वो बता दो फिर से। सुनो, सबसे पहली बात ये थी कि मेंडल को नकल मारना, मॉर्गन को नकल मारना था कि हीरो बनना था, हीरो हीरो बनना हीरो था, बनना था तो उसने सब कुछ किसका उल्टा करेगा, मॉर्गन का उल्टा, मेंडल का उल्टा करेगा कि मेंडल वहां से का, कॉपी मेंडल का करेगा, उल्टा मेंडल उल्टा करेगा। का उल्टा करेगा। तो मेंडल ने जो वर्ड यूज किए थे वो डोमिनेंट से लाए थे कि रिसेसिव से लाए थे? डोमिनेंट तो मॉर्गन रिसेसिव से लाएगा कि डोमिनेंट से लाएगा? रिसेसिव रिसेसिव से। तो लाएगा, येल्लो रिसेसिव है कि डोमिनेंट है, रिसेसिव तो इसलिए उसने येल्लो के लिए स्मॉल वायर लिखा, और व्हाइट के लिए, व्हाइट डोमिनेंट है कि रिसेसिव है? रिसेसिव तो व्हाइट रिसेसिव है, तो व्हाइट के लिए उसने स्मॉल डब्ल्यू लिखा। क्लियर है? एनी डाउट? अब ये बताओ कि अगर मॉर्गन कैपिटल वाई अगर यूज कर लेता था इसके लिए, डोमिनेंट के लिए, तो फिर से कॉपी होती कि नहीं? होती। हाँ होती। सर, तो इसलिए उसने क्या किया, कैपिटल वर्ड का यूज नहीं किया, उसने वाई के ऊपर ही प्लस लगाना ज्यादा सही समझा। तो ये जो ब्राउन था ये डोमिनेंट है कि रिसेसिव है? डोमिनेंट। डोमिनेंट डोमिनेंट किसका डोमिनेंट है, येल्लो का डोमिनेंट है कि व्हाइट का? येल्लो का, येल्लो येल्लो का। का। तो इसलिए उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है, वाई प्लस। अंडरस्टूड? अब ये जो रेड है, रेड डोमिनेंट है कि रिसेसिव है? डोमिनेंट 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 किसका डोमिनेंट है, व्हाइट 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 का। व्हाइट का। तो व्हाइट के लिए हमें कौन सा वर्ड यूज किए थे, डब्लू। तो डब्लू। रेड के हाँ लिए सर क्या यूज समझा। करेंगे, डब्लू प्लस। क्लियर तो है? एनी डाउट? डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों के लिए स्मॉल लेटर ही यूज होगा ना, हाँ स्मॉल लेटर का, उसने प्लस का यूज रेसेसिव को किया। लिया है। हाँ हाँ सर, इसने प्लस का यूज किया, इसने प्लस साइन का यूज किया डोमिनेंट के लिए, और मॉर्गन ने कैपिटल लेटर का यूज, सॉरी मेंडल ने कैपिटल लेटर का यूज किया था डोमिनेंट के लिए। क्लियर है? पर सर इस केस में रिसेसिव को प्रेफरेंस मिला है ना। हाँ तो वही तो बोला, रिसेसिव को प्रेफरेंस मिला है, तो इसलिए तो रिसेसिव के वर्डिंग्स लिखे गए हैं। हाँ हाँ समझा सर। ओके ठीक है, चले आगे। अब सेम चीज उसने किसके लिए किया, दूसरे कैरेक्टर के लिए। किसके लिए किया, दूसरे कैरेक्टर। इसने क्या लिया दूसरे कैरेक्टर में, व्हाइट आइड लिया। क्या लिया, व्हाइट आई किसकी होती है, फीमेल, मेल फीमेल की फीमेल ना, फीमेल का है ऊपर, देखो लिखा है ना व्हाइट आइड फीमेल, तो व्हाइट आई फीमेल की होती है। तो व्हाइट आई फीमेल के साथ उसने क्या लिया, मिनिएचर विंग लिया। क्या लिया, मिनिएचर विंग मिनिएचर विंग का मतलब क्या होता है, छोटे पंख, स्मॉल। स्मॉल ये विंग्स, ठीक है, स्मॉल विंग्स। ओके तो ये जो था ये किसका था, मेल का था कि फीमेल का था? फीमेल फीमेल का का था। तो फीमेल के सब चीज यहाँ पे जो दिए हैं, सब नाजुक नाजुक रिसेसिव दिए हैं, तो रिसेसिव हैं। तो अगर ये रिसेसिव है तो वर्डिंग्स कहाँ से आएंगी, स्मॉल लेट यहीं से आएंगी। तो व्हाइट आई के लिए क्या यूज करेंगे, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल और मिनिएचर विंग के लिए क्या यूज करेंगे, एम एम, एम स्मॉल एम, स्मॉल एम, स्मॉल एम। क्या यूज करेंगे, स्मॉल एम और स्मॉल एम। ठीक है चलूँ आगे। यस नो सर, लिखने दो सर। अरे अरे नीचवा का लाइन तो एक्सप्लेन करने दो। ठीक है, सो अभी ये बताओ कि ये जो व्हाइट आई था फीमेल के पास था, तो इसका अपोजिट मेल के पास क्या रहेगा, रेड आई रेड आई। क्या रहेगा, रेड आई। तो व्हाइट आई की जगह इसने क्या लिया, रेड आई लिया। क्या लिया, रेड आई लिया। तो ये रेड आई क्या है, डोमिनेंट है कि रिसेसिव है? डोमिनेंट है, डोमिनेंट डोमिनेंट है। तो रेड आई मेल में था कि फीमेल में था, मेल 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 में था, मेल में था, तो डोमिनेंट है कि क्या है, डोमिनेंट डोमिनेंट, डोमिनेंट है। अब इसके पास, मेल के पास स्मॉल विंग है कि लार्ज विंग है, लार्ज विंग लार्ज विंग, तो लार्ज विंग है, तो ये क्या जाएगा, क्या डोमिनेंट जाएगा कि डोमिनेंट रिसेसिव क्या जाएगा, जाएगा, डोमिनेंट डोमिनेंट। ये किसका डोमिनेंट है, स्मॉल विंग का मिनिएचर विंग के ऊपर, मिनिएचर विंग का। किसका डोमिनेंट है, मिनिएचर विंग का। तो अगर ये डोमिनेंट है मिनिएचर विंग का, तो लार्ज के विंग के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे, एम प्लस एम प्लस, एम प्लस। और रेड आई जो है व्हाइट का क्या था, ये था, ये था अपना डोमिनेंट था, तो इसलिए इसके लिए क्या लिखेंगे, डब्ल्यू डब्लू प्लस, डब्लू प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या याद रखना है, मेंडल ने वर्ड कहाँ से उठाए थे, डोमिनेंट डोमिनेंट से से, डोमिनेंट से। ठीक है, और मॉर्गन ने कहाँ से उठाए, रिसेसिव रिसेसिव से। क्या
कैपिटल के लिए मॉर्गन ने कैपिटल सॉरी अपना मेंडल ने कैपिटल लेटर का यूज किया था, पर मॉर्गन ने किसका यूज किया? प्लस लेटर। मॉर्गन ने स्मॉल लेटर में ही किसका साइन किया? प्लस अपना प्लस वर्ड का यूज किया। क्या हुआ? प्लस साइन का यूज किया है अपना डोमिनेंट के लिए। ठीक है, ओके। यस सो इसमें फीमेल हमेशा रिसेसिव ही होगी। हाँ, फीमेल के जो कैरेक्टर है ना वो रिसेसिव आ गया ना, तो फीमेल हमेशा नहीं रहेगी। अभी मैं हम लोग आगे करेंगे तो अपने को वैरायटीज मिलेगी, डोंट वरी। जो चीज मैं बोल रहा हूँ जहाँ पे वो चीज वहीं पे लिख देना, और लिख देना तो मतलब उसको पढ़ भी लेना, ठीक है, नहीं तो कल फिर से भूल जाओगे कि ये चीज कहाँ से आई। पिछले साल के बच्चे सब इसी पे जूझ रहे थे और मेरा ऐसा हो गया था उनके साथ कि डेढ़ दो महीने से मैं उनका लेक्चर नहीं ले पाता था। मतलब जब मैं भी लेक्चर शेड्यूल करता था तो मेरे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती थी, तो मैं लेक्चर नहीं ले पा रहा था। तो अभी उनका लेक्चर 5-6 दिन पहले हुआ, तो इसलिए मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि डोंट कंफ्यूज, जो भी है डाउट एकदम क्लियर रखो स्टार्टिंग से। तो ये वाइल्ड टाइप क्या है दोनों में, मेल में? जो डोमिनेंट होता है ना, डोमिनेंट, यहाँ पे एक चीज और है, जो डोमिनेंट होता है उसको हम लोग वाइल्ड टाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइल्ड टाइप। जो डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं उसको हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? वी आर यूजिंग द वाइल्ड टाइप। या तो आप डोमिनेंट लिखो या तो क्या लिखो? वाइल्ड टाइप। क्या लिखो? वाइल्ड टाइप। तो मेल जो है वो क्या डोमिनेंट है ना, तो यू कैन यूज द वर्ड वाइल्ड टाइप ऑन द प्लेस ऑफ डोमिनेंट। ओके, डन एवरीवन, चले आगे। सर एक मिनट सर, समझ में आया ना सबको? प्लस कहाँ से आया और कौन से वर्ड कहाँ से आए हैं? हाँ सर। डोंट मिस एनी वर्ड। हाँ, चले आगे। यस सर। सो दिस इज सो डेंजर। ओके, ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखना और बहुत ही अच्छे से समझना, ठीक है, और तभी बनाना, नहीं समझेगा मत बनाना। क्लियर है? चलें आगे। ओके,
चले आगे। हाँ सर। ओके सो दिस इज फॉर फीमेल, दिस इज फॉर फीमेल एंड दिस इज फॉर मेल। यहाँ पे हम लोगों ने दो एग्जांपल्स लिए हैं, कितने एग्जांपल्स लिए हैं? दो। ये क्या बोलता है? स्मॉल y, स्मॉल w, स्मॉल y, स्मॉल w, स्मॉल y फॉर येलो, स्मॉल w फॉर व्हाइट। तो ये मेल है कि फीमेल है? फीमेल। दिस इज अ फीमेल, दिस इज फीमेल। सो दिस इज फीमेल विथ व्हाट? कैन आई से दिस इज फीमेल विथ येलो बॉडी एंड व्हाइट कलर, व्हाइट आई? हाँ या ये जो फीमेल है, दैट फीमेल इज विथ येलो आई एंड व्हाइट, सॉरी येलो बॉडी एंड व्हाइट आई। ठीक है, तो ये क्या है? येलो बॉडी विथ व्हाइट आई, विथ व्हाइट आई। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। बाजू में हम लोगों ने मेल लिया है, क्या लिया है? मेल लिया है। तो ये जो कैरेक्टर है, ये कौन से क्रोमोसोम पे बैठेंगे? एक्स की वाई? दिस इज अ सेक्स लिंग ना, सेक्स लिंग बोले तो सेक्स लिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्स लिंग, सेक्स लिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्स लिंग। तो ये जो कैरेक्टर है वो आपको एक्स पे मिलेंगे कि वाई पे मिलेंगे? एक्स पे मिलेंगे। इसलिए देखो, जब भी आप डिजीज देखोगे तो मोस्टली एक्स लिंक्ड डिजीज होते हैं। वाई लिंक डिजीज नाम सुने हो? बहुत ही रेयर होते हैं, ठीक है, लेकिन मोस्टली जो होते हैं एक्स लिंक्ड होते हैं। ठीक है, तो ये मेल का एक्स है, ये किसका एक्स है? मेल का एक्स है, और नीचे वाला वाई है। तो ये मेल का एक्स क्रोमोसोम है, ये मेल का वाई क्रोमोसोम। तो मेल का जो एक्स क्रोमोसोम है, इसके पास क्या है? वाई प्लस है। क्या है? वाई प्लस है। और क्या है? डब्लू प्लस। वाई प्लस एंड डब्लू प्लस, वाई प्लस एंड डब्लू प्लस। तो अभी मेरे को बताओ, जो वाई प्लस है ये किसके लिए यूज हुआ होगा? ब्राउन बॉडी, ब्राउन बॉडी, ब्राउन बॉडी। इसके लिए यूज हुआ रहेगा वाई प्लस, ब्राउन बॉडी, ब्राउन बॉडी के लिए यूज हुआ रहेगा। और ये जो डब्लू प्लस है किसके लिए? रेड आई, रेड आई, रेड आई, रेड आईज के लिए यूज हुआ रहेगा। क्लियर है? और हाँ, जो पेरेंट हम लोग लेते हैं, पेरेंट क्या लेते हैं हम लोग? मिक्सर वाला पेरेंट लेते हैं कि ट्रू पेरेंट लेते हैं? ट्रू पेरेंट लेते हैं। क्या लेते हैं? ट्रू पेरेंट लेते हैं। क्या लेते हैं? ट्रू पेरेंट। क्लियर है? तो पहले मैंने ट्रू पेरेंट्स ले लिया, कोई डाउट है इसमें? नो सर, नहीं डाउट है। चले आगे। यस। अब ये देखो, हाँ सर, ये था कौन सा फेज था? पी वन फेज था। कौन सा था? पेरेंटल। क्या था? पेरेंटल बोले तो पी वन। ठीक है, अब कहाँ पे जाएंगे हम लोग? एफ वन जनरेशन में जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? एफ वन जनरेशन में जाएंगे। अब देखो, जब हम लोग एफ वन जनरेशन में जाते हैं तो एफ वन में अपने को क्या क्या मिलेगा? अभी मेरे को एक चीज बताओ कि ये दोनों सेम सेम है कि अलग अलग है? फीमेल वाले अलग है। क्या है? सेम सेम सर। कौन सा सर? ये फीमेल वाले, फीमेल वाले सेम है। नॉर्मली देखो क्या होना चाहिए था, नॉर्मली ऐसा होना चाहिए था, ये वाला इसके साथ जाना चाहिए था, फिर ये वाला इसके साथ जाना चाहिए था, फिर ये वाला, ठीक है, फिर ये वाला इसके साथ जाना चाहिए था, और फिर यही वाला इसके साथ जाना चाहिए था। ऐसा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? Yes. होना चाहिए था। तो ऐसे करते तो हम लोगों को कितने पेरेंट्स मिलते? फोर पेरेंट्स मिलते। लेकिन अभी मेरे को बताओ कि ये जो फीमेल का रिसेसिव वाला है, ये YW सेम है कि अलग अलग है? सेम है। तो मैं एक बार भिड़ाऊं चाहे दो बार भिड़ाऊं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो सर, नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको एक ही कंसीडर कर लिया। क्या कंसीडर कर लिया? एक ही कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो अगर मैंने इसको एक ही कंसीडर कर लिया तो ये एक बार ऊपर एक बार मेल के एक्स वाई एक्स के साथ मिलेगा, और दूसरा वाला मेल के वाई के साथ मिलेगा, क्योंकि सेम ही है ना। तो मैंने एक ही कंसीडर कर लिया है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया यहाँ पे, ध्यान से देखना। ये F1 जनरेशन में मैंने
फीमेल का जो क्रोमोसोम था, फीमेल वाला क्रोमोसोम था वो मेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ मिला दिया, कैन यू सी? यस। और जो मेल का क्रोमोसोम था, मतलब फीमेल का जो क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम था, उसको हम लोग ने मेल के वाई के साथ मिला दिया, ठीक है? Yes. अभी देखो फीमेल अभी तक सॉफ्ट सॉफ्ट थी, फीमेल अभी तक क्या थी, सॉफ्ट सॉफ्ट थी, ठीक है? अब ये जो फीमेल बनेगी F1 जनरेशन में, ये जो पहली वाली है फीमेल है कि मेल है? फीमेल है. कौन से टाइप की फीमेल है? वाइल्ड टाइप. कौन सी टाइप? वाइल्ड टाइप. तो वाइल्ड टाइप है तो उसका बॉडी कौन से कलर का होगा? रेड ब्राउन बॉडी होगा. और आई कौन से कलर की होगी? रेड आई होगी. तो ये जो फीमेल बनी है, फीमेल डोमिनेंट फीमेल है कि रिसेसिव फीमेल है? डोमिनेंट फीमेल है. कौन फीमेल है? डोमिनेंट फीमेल है. अब देखो क्या हुआ, अब जो फीमेल का एक क्रोमोसोम और बचा था वो मेल के वाई क्रोमोसोम के साथ आ गया. तो ये वाई प्लस है कि वाई माइनस? वाई है. वाई एंड डब्ल्यू है. Y and W है. और Y की कोई पार्टिसिपेशन करने वाला है क्या? नहीं. नो. तो Y तो चुपचाप बैठा रहेगा. तो Y अगर चुपचाप बैठा रहेगा तो ये जो मेल है ये डोमिनेंट मेल है कि रिसेसिव मेल है? रिसेसिव मेल है. तो इसका येलो कलर का क्या मिलेगा आपको? बॉडी. और व्हाइट कलर का क्या मिलेगा? आई. समझ में आया इतना सबको? हाँ सर समझा. कोई डाउट है किसी को इतने में? नो सर. कोई भी डाउट होगा मेरे को बताओ, ठीक है? कोई भी डाउट है? कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है? अब हम लोग पेरेंटल पे आएंगे. किस पे आएंगे? पेरेंटल पे. किस पे आएंगे? ये देखो, ये जो है ना, यहाँ से एक लाइन मार लो. ये दोनों का एक दूसरे से कोई भी लेना देना नहीं है. ये पूरा का पूरा फुल्ली क्या है? पेरेंटल टाइप. कौन सा टाइप है? पेरेंटल. पेरेंटल टाइप बोले तो लिंकेज. पेरेंटल टाइप बोले तो लिंकेज. और ये क्या है? रिकॉम्बिनेंट. रिकॉम्बिनेंट है. बहुत ही ध्यान से देखते चलो, ठीक है? और मैं बना लूंगा तब बनाना, ठीक है? फिर उसके बाद आप लोगों में से किसी एक को एक्सप्लेन करने को लगाऊंगा, ठीक है? ओके चलो अब आगे चलते हैं हम लोग. अब एकदम ध्यान से देखना मेरे को. ऊपर अपने पास कितने लोग हैं? दो लोग हैं, ठीक है? मैंने जो लिखा है क्या मैं मिटा सकता हूँ? या तो जो मैंने लिखा है आप लोग उतना लिख सकते हो, फिर मैं उसको मिटा दूं. हेलो. यस. जितना मैंने एक्सप्लेन किया क्या आप लोग लिख लोगे तो मैं मिटाऊं कि मैं? स्क्रीनशॉट ले लिया सर. स्क्रीनशॉट लिया सर. मिटा दो सर. डायग्राम के साथ बनाएंगे तो मैं मिटा दूं, ठीक है? यस सर. मैं मिटाता हूं. अब एकदम ध्यान से देखो. चलो जान दो, नहीं तो नहीं मिटाता हूँ, छोड़ो. अब ध्यान से आप लोगों को क्या देखना है, एकदम ध्यान से आप लोगों को क्या देखना है. अपने पास दो लोग हैं. कितने लोग हैं? दो लोग हैं. अब ध्यान से देखो क्या देखो. ये जो वाई डब्ल्यू वाला है ये पहले चलो इसके साथ जाएगा, वही जो मैं आप लोगों को ऊपर बता रहा था, ठीक है? और फिर वही वाई डब्ल्यू वाला किसके साथ जाएगा? इसके साथ जाएगा. तो मैं नंबरिंग दे देता हूँ. आई गिव दिस वन, आई गिव दिस टू. ये ऊपर वाला जो कौन सा था? रिसेसिव टाइप था. उसको मैं दोनों के साथ भिड़ा दिया. अब ये जो नीचे डोमिनेंट वाला है उसको मैं दोनों के साथ भिड़ाऊंगा कि नहीं भिड़ाऊंगा? यस भिड़ाऊंगा. बताओगे ना सर? तो ये वाले को जो है मैं ये वाले के साथ लेके चले जाऊंगा, जिसको मैं तीन नंबर दूंगा. और फिर इसी वाले को मैं इसके साथ भिड़ा दूंगा, तो इसको मैं चार नंबर दे दूंगा, ठीक है? मैं व्हाइट यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने यूज कर लिया, समझ में आ जाएगा आपको. समझा? कितने पेरेंट्स बनेंगे? चार बनेंगे ना. कितने बनेंगे? दिख रहा है? अब देखो मैंने जो फर्स्ट वाला किया है, तो फर्स्ट वाला जिसको मैंने किया हुआ है उसमें आपको फीमेल मिलेगी कि मेल मिलेगा? फर्स्ट वाले में फीमेल मिलेगी सर. फीमेल मिलेगी. कौन सी फीमेल मिलेगी? डोमिनेंट वाली की मिलेगी.
तो कैन आई से जो फर्स्ट वाला मैंने इंडिकेट किया है उसका प्रोडक्ट ये वाला है? हाँ सर वही है। उसका प्रोडक्ट यही है। यफ टू जनरेशन चालू हुआ है अपना, ठीक है, हम लोग यफ टू जनरेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में आ जाओ। नेक्स्ट आपको क्या देखना है, मतलब आपको देखना है कि जो फर्स्ट वाला था, मतलब कि जो फीमेल रिसेसिव जीन है वो वाई के साथ मिलने जा रही है। हाँ सर वाई के साथ तो मिलना, वो भी रिसेसिव रहेगी। हाँ तो मतलब दो नंबर दो क्या बनेगा, कैन यू सी नंबर दो? अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से रिसेसिव वाई और डब्ल्यू आ रहे हैं और यहाँ से कौन आ रहा है, वाई क्रोमोसोम आ रहा है। अरे यहाँ से वाई एक जगह से वाई रिसेसिव क्रोमोसोम आ रहा है ना, तो कैन आई से सेकेंड वाले से जो पेरेंट्स आपको मिलेगा वो ये वाला मिलेगा? यस सर। ठीक है सर। हाँ ये आपने रिसेसिव कैसे बोला फीमेल को, वो नहीं समझा फर्स्ट वाला को। अभी मैं बता रहा हूँ क्यों बोला मैंने, ठीक है। इतना समझा आप लोगों को? हाँ यस सर। रिसेसिव क्यों बोला वो जाने दो, इतना समझा आप लोगों को? चलो ठीक है। हाँ सर। अब तीसरा वाला जो मैंने व्हाइट में दिखा है वो देखो, दिख रहे Y प्लस और W प्लस सर डोमिनेंट आएगा, डोमिनेंट मेल डोमिनेंट। हाँ तो Y प्लस बोथ भी डोमिनेंट, मेल कैसे बनेगा? थर्ड वाला मेल बनेगा या फीमेल बनेगा? फीमेल मेल 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 कैसे बनेगा थर्ड वाला? फीमेल बनेगा, फीमेल बनेगा। यहाँ का X डोमिनेंट वहाँ के Y X डोमिनेंट के साथ X रिसेसिव के साथ मेट कर रहा है ना, तो कहना इसे जहाँ पे मैंने थर्ड वर्ड यूज किया है वहाँ पे मेरे को ये वाला मिलेगा। सर ये थर्ड वाला मेल है ना? सर मेल रहेगा ना सर, ये पूछ रहा हूँ मैं। अरे मैं ऊपर फीमेल का है देखो, थर्ड वाला मेल एक्स एक्स हो रहा है ना, तो यहाँ पे ये वाला एक्स है और ये वाला एक्स है ना, दोनों एक्स एक्स है ना। अरे हाँ सर, हाँ थर्ड वाला नीचे ऊपर जा रहा है ना, ठीक है। अब जो फोर्थ वाला है, फोर्थ वाले में क्या है, तो फोर्थ वाला एकदम ध्यान से अगर आप लोग देखोगे तो आपको फोर्थ वाले में क्या दिखाई देगा, मेल डोमिनेंट। फोर्थ वाले में आपको दिखाई देगा कि यहाँ का जो X का डोमिनेंट पार्ट है ये Y के पार्ट से मिल रहा है, कैन यू सी? हाँ सर मेल डोमिनेंट, मेल डोमिनेंट मिलेगा, ठीक है। हाँ सर एनी डाउट? नो सर। अब देखो, अब किसको डोमिनेंट बोलते हैं किसको रिसेसिव बोलते हैं, अब देखो जिसको डाउट था अभी मैं बता रहा हूँ, ये Y और W के ऊपर कोई प्लस लिखा है क्या? नहीं। नीचे Y W के ऊपर कोई प्लस लिखा है क्या? और दोनों एक्स एक्स है कि एक्स वाई है? एक्स और एक्स। तो ये क्या हो गया, येल्लो वाइट, दैट इज फीमेल विथ येल्लो वाइट। तो फीमेल अगर कोई येल्लो वाइट वाली है तो वो डोमिनेंट है कि रिसेसिव है? रिसेसिव। नेक्स्ट आ जाओ, टू वाले के पास आ जाओ। टू वाले में वाई और डब्लू अकेले हैं कि किसी कोई और साथ में है? अकेले। वाई क्रोमोसोम पे कोई कैरेक्टर मिलेगा क्या? नहीं, वाई तो सेक्स क्रोमोसोम है तो इट ओनली गिव्स द व्हाट सेक्स ऑफ द देश, ठीक है, मतलब जेंडर देगा, और कुछ देगा क्या? नहीं नहीं। तो यहाँ पे अपने को कौन सा कैरेक्टर मिलने वाला है? येलो एंड व्हाइट। येलो एंड व्हाइट मिला तो इट इज रिसेसिव और डोमिनेंट? रिसेसिव। ठीक है, तो रिसेसिव मेल है कि फीमेल है? फीमेल। फीमेल फीमेल है, फीमेल फीमेल है, इसमें वाई है सर, ये मेल होगा, दैट इज अ रिसेसिव मेल, दैट इज रिसेसिव मेल। समझ में आया दो चीज? नाउ कम टू द थर्ड वन, कम टू द थर्ड वन। जब आप थर्ड वन के पास आओगे तो थर्ड वन क्या बोलेगा आपको? थर्ड वन में दोनों एक्स एक्स है, तो जो ऊपर वाला एक्स के पास वाई प्लस है, वाई प्लस बोले तो ब्राउन, ब्राउन रेड। हाँ अगर डब्लू प्लस है, डब्लू प्लस बोले तो रेड, रेड। तो ये डोमिनेंट वाला रिसेसिव वाले को क्या करेगा? डोमिनेट करेगा, करेगा। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर मिलेगा ये अपने को क्या मिलेगा? डोमिनेंट फीमेल। डोमिनेंट फीमेल मिल गई, तो डोमिनेंट के यहाँ पे जगह पे हम लोग यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? वाइल्ड। वाइल्ड वर्ड यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? वाइल्ड टाइप। क्या यूज कर सकते हैं? वाइल्ड टाइप। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, अगला चले। जो फोर्थ वन आपको मिला, तो फोर्थ वन में ध्यान से देखो, वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस है, तो ये वाई प्लस डब्ल्यू प्लस एक्स क्रोमोसोम है और नीचे वाला वाई क्रोमोसोम है, तो वो वाई के साथ गया मिला, तो वाई प्लस बोले तो, वाई प्लस बोले तो ब्राउन डोमिनेंट, डब्ल्यू प्लस बोले तो रेड। तो ये भी आपको क्या मिला? वाइल्ड टाइप का मेल, वाइल्ड टाइप, वाइल्ड टाइप का मेल मिला। वाइल्ड टाइप का क्या मिला? मेल मिला। क्लियर है किसको कोई डाउट? यस सर। नो सर। क्लियर है किसको कोई डाउट है?
एनीवन हैव एनी डाउट? नो सर। क्लियर? ओके। अभी आप लोग क्या करोगे, आप लोग ऐसे बॉक्स बना के लिख लोगे क्या? अभी देखो आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, कैसा कर सकते हो मालूम है कि जो यहाँ पे हम लोगों ने मेल और फीमेल ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, मेल और फीमेल ऐसा लिखा हुआ है ना, तो आप लोग क्या कर सकते हो यहाँ पे, काम करो आप लोग ऐसे लिखो जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना, यहाँ पे ये इसके साथ जा रहा है, इसके साथ जा रहा है, वैसे ही आपको ये करना पड़ेगा। तो समझ में आया कौन किसके साथ गया, कैसे गया? सर वो आप एक बार रेड से कर दोगे क्योंकि येलो और व्हाइट से दिख नहीं रहा है एफ वन जनरेशन में आपने जो 1 2 3 4 मार्क किया है वो। अरे ये देखो, ये रेड जो ये था ये ऐसा था, जो ये था वो ऐसा था, ठीक है। हाँ सर, आप लोग पहले इतना लिख लो, फिर मैं आप लोगों को रिकॉम्बिनेंट बताता हूँ, फिर आप लोगों में से मैं देखना चाहता हूँ कि कौन मेरे को बी क्रॉस एक्सप्लेन करेगा, लेकिन करना आप लोगों में से ही। सर हाँ, वो पैरेंटल एंड रिकॉम्बिनेशन में टाइप्स क्या है परसेंट में? मैंने रिकॉम्बिनेशन अभी पढ़ाया क्या? फिर वो पैरेंटल का क्या है सर? मैंने पढ़ाया क्या अभी? वो नहीं पढ़ाया ना, तो जब पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा। पहले आप लोग इतना लिख लो क्योंकि मैं सब मिटा दूंगा अभी। सबका हो गया? यस सर। सर एक मिनट। ओके सॉरी। डन सर। ओके मिटाऊं सर जो भी लिखा हूं? यस सर। ओके एकदम ध्यान से देखना, अब मेरे को ना रिकॉम्बिनेंट करना है। क्या करना है? रिकॉम्बिनेंट। कैन आई से रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है इसकी टोपी उसके सर? यस सर। यस ओके। अब देखो, अब मैंने क्या किया, अब ये वाला जो था इसको मैंने रिकॉम्बिनेंट करके, इसको रिकॉम्बिनेंट कर सकता हूँ क्या? मैं कर सकता हूँ क्या? हेलो हाँ, कौन से मेल? ये जो मेल है यहाँ पे, मेल जो बैठा है अपन जनरेटर का, इसको मैं कर सकता हूँ, इसकी टोपी उसके साथ कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता।
वैसे कर सकता हूँ, वाई पे कोई कैरेक्टर में दे सकता हूँ क्या? नहीं। तो इसकी टोपी उसके सर किस पे होगा? फीमेल में। तो रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या हुआ? इसकी टोपी उसके सर, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या किया? आई गॉट हाउ मेनी क्रोमोसोम? आई गॉट टू क्रोमोसोम, ओके। विथ आई गॉट टू क्रोमोसोम विथ 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 वाई विथ वाई एंड डब्लू प्लस सेकेंड वाला आई गेट विथ वाई प्लस हेलो एंड डब्लू और नॉट सर। हाँ no. ये किसको नहीं समझा? दिस इज अ रिकॉम्बिनेशन। सर क्या किया आपने? समझा नहीं। हाँ ये समझा सर, बट इसमें क्लोज लिंक टाइट लिंक नहीं देखेंगे। नहीं अभी नहीं देखना क्लोज लिंक टाइट लिंक क्या होता है, मैं तुमको अब आपको बाद में बताऊंगा। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? इसकी टोपी उसके सर, मतलब वो उसके गले लगा और उसका चैन निकाल लिया। मतलब ये बंदे ने इसके गले लगा तो इसका चैन निकाल लिया और उसने इसका चैन निकाल लिया। तो अब ऊपर वाले में क्या था? वाई था, तो डब्लू प्लस नीचे से आ गया। हाँ और नीचे वाले में वाई प्लस, वाई प्लस चला तो डब्लू नीचे चला गया। इसकी टोपी उसके सर हो गई, उसी को रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं ना। रिकॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं? इसकी टोपी उसके सर, ऐसे याद रखो, ठीक है। क्लियर है? किसी को डाउट है जो नया कपल बना? नहीं, ठीक है। जो नई फीमेल बनी किसी को डाउट नहीं है ना उसमें? नहीं सर, ठीक है। अब जो नई फीमेल बनी है वो एक बार ये एक्स वाले के साथ जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी, जाएगी। तो इससे अपने को फर्स्ट मिलेगा। फिर यही फीमेल का ये वाई के साथ जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगी। ये टू हो गया, ओके। फिर क्या होगा? फिर मैं ब्लैक लू, चलो ब्लैक लेता हूँ, ओके। ये जो नीचे वाला है ये पहले ऊपर वाले के साथ चला जाएगा, जिसको मैं थ्री दे सकता हूँ, और फिर यही वाला वाई के साथ जाएगा, जिसको मैं फोर बोल सकता हूँ, ओके। यस। अब चलो अगर मैं बोलता हूँ कि जो फर्स्ट वाला है, तो फर्स्ट वाला क्या है? यहाँ पे क्या है? फर्स्ट में वाई एंड डब्लू प्लस है। कौन है? Y and W plus. Y and W plus first में किसके साथ जाके मिल रहा है? Y and W. Y and W. तो Y and W plus. Y and W plus is meeting with small Y and small W. Can I say the first offspring would be this? Yes, sir. Yes. Okay. Second वाले में क्या हो रहा है? Y and W plus is going with Y. Y. So Y and W plus is going with Y. Can I say the second offspring is this? Yes, sir. For third one, if you see, the Y plus and W is going with Y and W. Yeah. So here you will see Y plus and W. So Y plus and W is here. So can I say the third offspring is with this? Yes, sir. And now come to the fourth one. If you see, this one is the fourth. तो फर्स्ट में क्या हुआ?